प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन साझेदारी के सामान्य परिचय के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट आपका है किसी साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। कई बार फर्म के हित में नए व्यक्ति को साझेदार बना दिया जाता है और उस साझेदार को इस बात की गारंटी दी जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि आपको न्यूनतम इतना लाभ अवश्य मिलेगा और इससे यदि हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति फर्म द्वारा या किसी साझेदार द्वारा की जा सके। इस संदर्भ में चार प्रकार की गारंटी होती है। अब चार प्रकार की गारंटी में आपका जो कॉन्सेप्ट आपका है साझेदार को लाभ का आश्वासन गारंटी, चार गारंटी होती है। नंबर एक, फर्म द्वारा लाभ की दी गई गारंटी। नंबर दो, किसी साझेदार द्वारा किसी साझेदार द्वारा दी गई गारंटी। नंबर तीन, किसी साझेदार किसी साझेदार द्वारा फर्म को किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई लाभों में गारंटी या लाभों की गारंटी। नंबर चार, नंबर जो चार है वो आपके दो चीजों का मिश्रण है। किसी साझेदार द्वारा किसी साझेदार द्वारा फर्म को एवं फर्म द्वारा किसी साझेदार फर्म द्वारा साझेदार एक से अधिक हो सकते हैं, फर्म द्वारा साझेदारों को दी गई गारंटी, दी गई लाभों की गारंटी। देखिए, चार प्रकार की गारंटी लिखे हैं, चारों का अर्थ समझा और मैं चारों का सवाल क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्म द्वारा लाभ की दी गई गारंटी, फर्म आश्चर्य शेष प्रतिशत गारंटी देंगे। मान लो फर्म की यदि सी तीन भागीदार है और सी मेरा साझेदार आ रहा है या सी को अपनी गारंटी दे रहे हैं तो सी के लाभों में न्यूनता बढ़ती तो शेष ए और बी यानी फर्म कौन से बचे। फर्म में दो शब्दों बचे ए और बी, वे वैन करेंगे। नंबर दो है किसी साझेदार द्वारा दी गई गारंटी। मान लो एबीसी तीन पार्टनर है और मान लो आपने सी को गारंटी दी है तो उसके लिए बी कह रहा है कि संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है तो इससे भी कंडीशन होगी। और तीसरा है किसी साझेदार द्वारा फर्म को, ये तो किसी साझेदार द्वारा दी गारंटी मतलब कोई साझेदार किसी साझेदार को दे रहा है, यह है किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गारंटी। कोई साझेदार ये कहता है कि मैं इतने लाभ कमा के दूंगा लेकिन यदि उससे कम कमा के देता है, कम लाभ अर्जित कर पाया है तो उस न्यून जो शेष जो रिमेनिंग जो कम लाभ कमाया उसने वो लाभ वो फर्म को गारंटी रूप में प्रदान करेगा। और चौथा है, और वो सारा एडजस्ट होगा कुछ द्वारा, किसी साझेदार द्वारा फर्म को या फर्म द्वारा साझेदार को दी गई लाभों की गारंटी। तो चार गारंटी है और चारों गारंटियों को क्वेश्चन करें तो पहला क्वेश्चन है एक और दो का उत्तर होगा, यानी आपको पूछा है इस क्वेश्चन में ए तथा बी तीन अनुपात दो अनुपात में एक फर्म में साझेदार है, सी को एक बार पांच भाग के लिए साझी बनाया है, फर्म द्वारा 40,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई, सी को बोल रहा है कि 40,000 रुपये आपको न्यूनतम लाभों में आपको हिस्सा मिलेगा, न्यूनतम और अधिक तो अधिक बना होगा। उन्होंने तय किया कि ए व बी के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी तीन दो अनुपात दे बी का है, सी को एक बार पांच बाकी शामिल किया तो एक में से बड़ा पांच बढ़ाएंगे मतलब चार में पांच हम 80 में से लेंगे उसको तीन दो अनुपात से बढ़ेगा, यानी ए बी के लाभ में कोई चेंजेस नहीं है, यानी एक रुपये में से पांच हिस्सा देने के बाद जो शेष बचा है उसको तीन दो अनुपात से ही ए और बी प्राप्त करेंगे, इनके लाभ में कोई चेंजेस नहीं है। वर्ष 2020-21 में फर्म को 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ, लाभ और हानि खाता बनाइए। यदि अब दो क्वेश्चन पूछे हैं, दो
जो मैंने आपको अभी बात कही इस साइट पे आपको लाभ का आश्वासन गारंटी के संबंध में क्या गारंटी होती है, तो नंबर एक है फर्म द्वारा दी गई गारंटी, नंबर दो है और सी को कौन गारंटी दे रहा है, ई दे रहा है। ये पहले उससे प्रश्न होता है और आपको बनाने का है लाभ और हानि खाता इन पी एंड एल अप टू प्रश्न अकाउंट डबल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट नंबर एक, यदि फर्म द्वारा सी को लाभों की गारंटी दी जाए, ये पहला प्रश्न आपका है, बनेगा पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। डीआर साइट सीआर साइट पार्ट को समान पार्ट समान ये पहले प्रश्न आपको रहा है कि सी को लाभों की न्यूनतम 40,000 की जो गारंटी दी गई है और उसके लिए फर्म गारंटी दे रही है, तो फर्स्ट आप जी सी आर के अंदर वाई पी एंड एल नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है फर्म को 1,50,000। अब तीनों साधनों में लाभों का डिविजन करना है, बंटवारा करना है, वितरण करना है, डेट में है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स का अकाउंट ए जगह थोड़ी बी और सी। अब यहां देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट आप यहां देखें कि सी को जो लाभों का लाभ 1,50 है, 1,50 का 1/5 कितना 30,000 रुपए, जबकि इसको लाभ की गारंटी 40,000 10,000 रुपए लाभ कम है। तो यहां देखिए आप फर्स्ट यहां पर रखी होगी सी लाभों में गारंटी 40,000 रुपए की, जबकि पहला 1,50,000 × 1/5 30,000 रुपए अर्थात लाभों में नहीं था, लाभों में न्यूनतम 40,000। आप देखिए 40,000 की गारंटी दी है, लाभ के 20,000 30,000 रुपए 40,000 रुपए माइनस 30,000 रुपए 40,000 प्लस 30,000 10,000 रुपए 10,000 रुपए जो लाभों में नहीं था, जो लाभों में न्यूनता है जिसे फर्म वहन करेगी, फर्म वहन करेगी अर्थात ए और बी, फर्म का मतलब तीन भागीदार है जिसमें ए को लाभों में न्यूनता है, बाकी बच्चे ए और बी अर्थात ए और बी द्वारा ए व बी द्वारा। अब अनुपात देखिए इनका अनुपात क्या है, अनुपात 3:2 है, ए व बी 3:2 में सी की न्यूनता को वहन करेंगे, सी की न्यूनता को वहन करेंगे ए और बी। 10,000 लाभ में शॉर्ट है, अनुपात 3:2 है, ए ए वहन करेगा 10,000 × 3/5, बी 10,000 × 2/5 यानी 6,000, ये 6,000 रुपए और ये करेगा 4,000 रुपए बन गए। अब उसको कैसे शो करेंगे, यहां लिखना ए बी सी, तो फर्स्ट आप सी के हिस्से को निकाल दीजिए,
सी का अमाउंट है 30,000 रुपया है, अंदर को 30,000 रुपये। अब जबकि एक 50 को 30 कटाइए या बता एक 20, और एक 20 को आप बांट दीजिए 3/2 में, तो एक 20 बटे 5 या तो 3 और 10 20 चौथे 72, यानी तो 72,000 रुपये। एक इससे मिलेगा 72,000 और 14/48 इसके से मिलेगा 48,000। अब ध्यान रखना हमने क्या किया है, 1,50,000 रुपये के लाख का 1/5 सी को दिया हमने 30,000 रुपये है, तो 30,000 बढ़ाई 50 पे एक बीस को ए और बी में 3/2 से बांटिए तो आएगा 72,000। अब देखिए इसको लाभों में गारंटी दी है 40,000 की, जबकि लाभ में हिस्सा है 30,000 रुपये बना सकते, 10,000 कम है, तो ए और बी सर्टिफिकेट दी है 6,400 गारंटी लेस गारंटी टू सी कितना 6,000 रुपये, 6,000 घटेगा 6 आएगा 66,000 रुपये, ए का लाभ रहेगा 66 और लेस गारंटी लेस गारंटी टू सी कितना 4,000 रुपये, 10,000 में 100 है इसको 3 से बांटा है घटाइए 44,000 रुपये। अब ये 6 और 4 में एड होगा ए गारंटी गारंटी फ्रॉम ए और बी, ए 6,000 बी 4,000 ये बांट आएगा 40,000 रुपये 40,000। इस तरीके से ये फर्स्ट जो आपका पहली कंडीशन है फर्म ने न्यूनतम लाभों को गारंटी दी है सी को, जो सी का अमाउंट 100 पड़ा है उसको वर्ग किया ए और बी ने अपना फर्म ने, इसका योग कीजिए 1/50 इसका योग 6+10 1+5 9 6 50। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, थोड़ा समझे प्रश्न आपका है ए बी 3/4 साझी है, सी को 1/5 पार्ट के लिए एंटर दिया है और उसको 40,000 रुपये लाभों की गारंटी दी है और फर्म का लाभ 1/50 है, और ये फर्म गारंटी तो क्या होगा 1/50 का 1/5 30,000 रुपये। अब 40,000 में हमने 30,000 बढ़ाया 10,000 सौ पड़ा, 10,000 को 3/2 से और भी हल करेंगे, ए में माइनस होगा 6,000 बी माइनस होगा 4,000 ए और बी कंट्रीब्यूशन करेंगे सी के लिए, तो सी का नाम ए 30+6+4 40,000 हो जाएगा और रिमेनिंग प्रॉफिट ए बी का रहेगा 644। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। अब यही क्वेश्चन सेल आपके वह जब गारंटी ए द्वारा दी जाए, अब ये तो आपका है पहला प्रश्न, अब इसी प्रश्न को मैं आपको ले रहा हूं सेकंड प्रश्न को हटा देता हूं, तो जब गारंटी ए द्वारा दी जाए सेम क्वेश्चन है, यह देखा फिर से बनेगा इस सेकंड पॉइंट का, जब सी को लाभों की गारंटी कौन दे रहा, बी बी द्वारा दी जाए, इस बी देगा तो क्या होगा, यह बनेगा पीएनएल अकाउंट फॉर द अर्निंग 31 मार्च 2021। डीआर साइड सीआर साइड, अब ये सर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सी को जो गारंटी फाइनल लगती है 110,000 तब आप सीआर के बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट 1,50,000। अब आप इसे तीनों फर्स्ट तो आप देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्ट ऑफ कैपिटल ए और बी और सी, अब ऐसे किया
इस सी को लागू हिस्सा कितना मिला? 30,000 रुपये, 30,000, और ए को 72,000, 80,000 का 72,000, और बी 48,000। हमने क्या किया है, इस 1,50,000 का 1,50,000 बाकी 3,000 रुपये काटा, 72,000 48। अब इस पशु बोला है डायरेक्ट कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो यहाँ आइए बी लाभन नहीं दे रही है, 40,000 30,000 10,100 पड़ा, 10 पूरा पूरा अमाउंट बी भाई करेगा, तो यहाँ का लेस गारंटी, लेस गारंटी टू सी कितना 10,000 रुपये, यहाँ आएगा 38,000, यहाँ का ए गारंटी, गारंटी फ्रॉम बी 10,000, यहाँ आएगा 40,000। सेम क्वेश्चन है, केवल चेंज क्या होगा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सी की न्यूनता को ए बी दोनों ने किया है, और यहाँ क्वेश्चन में क्या है बी ने, मान क्वेश्चन ये कहा कि ए वहन करता केवल, तो बोथ एंड मेसेज पूरे लेस हो गया, भाषण हो जाएगा या 48 रहेगा। वापस की स्थिति है, तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया आपका, नंबर एक आपको बड़ा, फर्म ने साझेदार को गारंटी दी लाभ की, और यहाँ इसी साझेदार ने, फर्म साझेदार ने इसी साझेदार को लाभ की गारंटी दी है, यहाँ योग बन गई 150, 150 8 2 10 1 8 3 4 15 50 50 20, दो कंडीशन होगी, नंबर एक फर्म द्वारा दी गई गारंटी और किस साझेदार द्वारा दी गई गारंटी। सेकंड क्वेश्चन देखा, मैंने आपको चार गारंटी बताई, नंबर एक आपने दिया फर्म द्वारा दी गई गारंटी, किसी साझेदार द्वारा दी गई गारंटी, और तीसरा आपका है किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। प्रश्न आप देखिए एबीसी एक साझेदार फर्म में 5 अनुपात में साझी है, सी फर्म को न्यूनतम 70,000 रुपये लाभ कमाने का गारंटी दी, इसमें क्या है, सी फर्म को कहता है कि मैं 70,000 रुपये लाभ कमा के दूंगा, लेकिन सी फर्म के लिए केवल 50,000 रुपये अर्जित कर सका, 70,000 की गारंटी दे रहा है फर्म को कौन, सी कमा कर सका सिर्फ 50, तो 20,100 पड़ गया, 20,000 जो लाभ है ये वहन करेगा कौन, सी फर्म के लिए, और लाभ फर्म को कितने भी 81,000 जिसमें सी द्वारा अर्जित 50,000 रुपये भी शामिल है, साझेदारों के लाभ कोई बंटवारे के लिए लाभांश खाता बनाइए, सीधा सा क्वेश्चन है। तीसरी गारंटी है पीएमएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दी ईयर एंडिंग, डीआर साइट सीआर साइट पार्टी को समाप्त कर सको, अब याद रखना फर्म को लाभ कितना हुआ, देखिए आप क्वेश्चन में फर्म और कुल का लाभ कितना, 1,80,000 रुपये जिसमें सी द्वारा अर्जित लाभ भी शामिल है, यहां तो वाई नेट प्रॉफिट कितना 1,80,000। अब यहां समझने का प्रयास करें, जो तीसरा जो तरीका है वो है किसी साझेदार द्वारा फर्म को लाभ में दी गई गारंटी, कौन दर गारंटी सी, कितनी दर 80,000 कितनी कमाए 20 दर कम पड़ के वहन करेगा बाई, कौन है सी, बाई सी स्तर ये गारंटी अमाउंट कितना 70,000 माइनस 50,000 यानी 20,000, ये 20,000 रुपये फर्म के लाभ बहुत बढ़ जाएंगे, कार्ड देखिए 1,80,000 में ये 50 रुपये भी है और गारंटी की 70,000 की, तो 20,000 शॉर्ट पड़ा, तो शॉर्ट करने पर हम सी को डेबिट करेंगे, एंड करने के सी चक्कर में दिया आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितने 20,000। अब बस हो गया, और उसके बाद तीनों को लाभों का बंटवारा करना है, योग कीजिए 2,00,000, आगे डीआर तीनों को बांटी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। अब यहां देखिए कुल 2,00,000 है, 2,00,000 को बांट दो 5, 3, 2 में 1,00,000
60,000 और 40,000 सीधा सा बड़ा योग 2 लाख कैसे हुआ? 180 फर्म ने लाभ कमाए हैं और सी ने फर्म को गारंटी दी 70,000 की, लाभ कमा सका 50,000, 20,000 शॉर्ट है ये बैंक करेगा बी सॉरी सी तो एंड में इसी तरह का अकाउंट दिया टू ये भी आपको क्वेश्चन और कुल लाभ फर्म का बढ़कर जाएगा 2 लाख। 2 लाख बाकी 5 3 2 में तो 2 लाख बटा 10 × 5 × 3 × 2 करेंगे 1,60,040,000 ये आपकी तीसरी गारंटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 180 है जितना शॉर्ट और जितना आप कमा सका जिस साधारण फर्म को गारंटी तो सीआर जाएगा और इसको बंटवारा करना है तीनों साथियों के उनके अलावा अपने पास। अब लास्ट जो कंडीशन है वो आपकी है, इसमें क्या है, इसमें आपके सेकंड थर्ड का मिश्रण है क्या है, एक तो है शारदा द्वारा फर्म को, फर्म द्वारा शारदा को देगी गारंटी। प्रश्न क्या है, एबीसी एक फर्म में तीन रुपए पांच साझी है, फर्म ने सी को न्यूनतम 1,50,000 की लाभ गारंटी, ये आपका पहली कंडीशन होगी फर्म दे रहा सी को। फिर आपका जबकि बी ने फर्म को 2,50,000 रुपए लाभ अर्जित करने की गारंटी दी, बी फर्म को कह रहा है कि 2.5 लाख में दूंगा, बी टोटल कमा सकता कितना 1,70,000 रुपए, बी लाभ कमा सका 1,70,000 रुपए, 2,50 − 70 डिफरेंस को 80,000 रुपए शॉर्ट कमा रहा है नफा लाभ, फर्म ने चालू वर्ष में 5,20,000 रुपए लाभ कमाया जिसमें बी द्वारा कमाया गया लाभ कितना है 1,70,000 लाभ 1,70,000 शामिल है साधारण के लाभों के विभाजन हेतु लाभ हानि निर्णय खत्म बनाइए। ये फर्स्ट और थर्ड का दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों गारंटियां हैं, एक तो फर्म दे रही है साधारण को, एक साधारण दे रहा फर्म को गारंटी, तो बनेगा P&L। आपको पूछना है अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डीआर साइड सीआर साइड पार्ट को समान पार्ट से हो, फिर अकाउंट में प्रॉफिट का फर्म ने पाया 5,20 बाई P&L प्रॉफिट कितना 5,20,000 रुपए, 5,20,000। अब आप क्या करेंगे, दो गारंटी होने पर पहले जिस साधारण ने फर्म को गारंटी दी है वो कितना प्रॉफिट शॉर्ट पड़ा वो प्लस होगा, तो आप देखिए बी ने गारंटी 2.5 लाख की दी है, बी केवल 1,70,000 कमा सका, डिफरेंस 80,000 रुपए बाई 20 का कम, बाय 20 का कम गारंटी अमाउंट, गारंटी अमाउंट कितना क्वेश्चन लीजिए, 2,50,000 गारंटी दी थी माइनस 1,70,000 डिफरेंस 80,000 रुपए, ये 80,000 रुपए वन करेगा कौन बी और एंटी बनी थी 20 का अकाउंट लिया तो पेन है आपको क्वेश्चन। अब क्या करना है, तो लाभ बढ़ के हो गया 5,20 + 80 6 लाख हो गए, अब आप 6 लाख अब एक गारंटी फर्म ने दी इसको, फर्म दिया सी को 1,50,000 की, यह लीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। अब यहां देखिए पहले सी को इसको लीजिए, सी का हिस्सा 6 लाख, 6 लाख का 1/6, 6 लाख का 1/6 आएगा 1 लाख रुपये, 6 लाख इंटू 1/6 इन तीनों के योग है 3 × 2 = 6 1 लाख रुपए ऐसा सीधा पड़ा 1 लाख, तो यहां ऐसा सी 1 लाख रुपए। अब यहां देखो गारंटी दी है 1.5 लाख, 1.5 लाख की गारंटी दी है 1 लाख का हिस्सा, तो 50,000 का शॉर्ट पड़ गया, तो 50,000 रुपये है वो वहन कौन करेगा, ये 50,000 रुपये जो है वो वहन करेगा ए और बी है फर्म, यह देखा 1,50,000 माइनस 1,50,000 शॉर्ट पड़ा और 50,000 को कौन कौन करेंगे ए और बी, इक्वेशन क्या से 3:2 से, ये 3:2 से 30,000 20,000, अब 6 लाख में से 1 लाख बढ़ा दीजिए 5 लाख, 5 लाख को 3:2 से बांटिए, ये 5 लाख 3:2 से 3 लाख ए को आएगा, 2 लाख बी को आएगा, ये आपको बंटवारा किया है। अब आइए
सी को लाभांश न्यूनतम है 50,000 के 3,000 से बन गए 30,000 और 20,000 लेस गारंटी लेस गारंटी टू सी 30,000 घटाइए 2,00,000 से 3,000 रहेगा इसका, यहां करेंगे लेस गारंटी लेस गारंटी टू सी 20,000 रुपये घट जाएगा 1,80,000 यहां पर एड गारंटी फ्रॉम ए और बी 30,000 1,50,000 योग समा दीजिए 2,70,80,350,450,600,000 योग होगा 600,000 इसमें दो गारंटी है, एक गारंटी है बी ने फर्म को दी है 2,50,000 की और कमा के 1,70,80,000 बढ़ जाएगा ना फर्म का 600,000 को इन तीनों साथियों के बांटना है फर्स्ट ऑफ पार्टी सी को तो 600,000 का एक बड़ा 1,00,000 आएगा क्योंकि 1,50,000 की गारंटी दे दीजिए 50,000 सौ पड़ा 50,000 को ए और बी 3 का 2 से बंद करेंगे 3,2,1 है तो अनुपात को चेंज होगा 3,2,6 बचा ए और बी का तो 30,000 तो 30 घटेगा 270 20 घटेगा 180 30 प्लस हो जाएगा सी में। इस तरीके से अपने चारों जो गारंटी किया वो चारों क्वेश्चन लिए कल और अपनी इसी प्रकार के एडिशनल क्वेश्चन है नेक्स्ट है अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।